आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है, यदि पी ऑफ ए बराबर 3/8, पी ऑफ बी बराबर 1/2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 हो, तब पी ए बटे बी इक्वल टू क्या होगा। ना 1/4, 1/2, 2/3 और 3/8 अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं ना। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या कह रहा है कि यदि हमारे पास पी ऑफ ए जो है ना, पी ऑफ ए अपने पास 3/8 है ना, पी ऑफ बी अपने पास 1/2 है ना, पी ऑफ बी अपने पास 1/2 है और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो अपने पास 1/4 है ना। तो हमें पी ऑफ ए बाई बी का मान ज्ञात करना है ना। तो पी ऑफ ए बटे बी का मान बात ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे पास पी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, वो होता है हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी है ना। देखिए नीचे अपने पास बी है तो यहाँ अपने पास बी आएगा ना। तो देखिए पी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी, तो यहाँ अपने पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है, पी ऑफ बी हमें पता है। तो देखिए दोस्तों, मान रखिए, तो ये जाएगा अपने पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया अपने पास 1/4 डिवाइड बाई पी ऑफ बी हो गया 1/2 ना, डिवाइड बाई ये हो गया 1/2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए 2 से भाग जाएगा और ये 2 बार चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अपने पास ऊपर हो जाएगा 1/2, नीचे हो जाएगा अपने पास 2 और नीचे अपने पास 1 हो गया ना। तो यहां से अपने पास पी ऑफ ए बाई बी जो आ गया वो आ गया 1/2 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों, हमारा उत्तर हो गया। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।